बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको वेदर टेम्परेचर रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेदर टेम्परेचर रिपोर्ट। तो वेदर टेम्परेचर रिपोर्ट कैसे बनाई जाएगी, तो यहाँ हम बात करेंगे वीकली के। वीकली एक सैंपल जो है टेम्परेचर का वो मैं आपको बना दूंगा। आप इसको मंथली रिकॉर्ड बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि इसकी एंट्री आप कैसे एक्सेल के ऊपर करें। तो सबसे पहले तो यहाँ हम अपनी हेडिंग डाल देंगे, जितने हमारे पास रिकॉर्ड होंगे तो यहाँ हम दे देंगे सीरियल नंबर आ जाएंगे हमारे। सीरियल नंबर के बाद फिर यहाँ पर हमारे पास आएंगे सिटी नेम कि हमारे पास कौन कौन सी सिटीज हैं, वो आ जाएंगी यहाँ पर। उसी के साथ जो है फिर यहाँ पर हम अपने ऐड कर लेंगे जो हमारे हैं डेज आ जाएंगे। और डेज हम राइट करते हैं जैसे हमारे पास है मंडे, और मंडे से लेकर हम इनको ड्रैग कर लेते हैं संडे तक। तो इस तरीके से हमारे डेज आ जाएंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद जो यहाँ पर हमारी हेडिंग दे देंगे, तो हेडिंग के लिए यहाँ पर हम अपनी डेट भी ऐड कर लेते हैं। तो डेट के लिए आप क्या काम करें, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है जैसे हमने डेट हेडिंग डाल दी ऊपर, और इन दोनों को कवर कर लेंगे तो रॉ वाइज। तो इस तरीके से आपने सेल सेलेक्ट करना है, इसको आप मर्ज कर लें, इसको भी आप सेल सेलेक्ट करके मर्ज कर लें, और इन दोनों की जो अलाइनमेंट है वो आप सेंट्राइज कर लें। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो एक सेल है इसने दोनों रॉज को कवर कर लिए। डेट यहाँ पर आप क्या डालेंगे, तो इसमें डेट जो है वो आप जैसे आपने 1 जनवरी से आपने शुरू करना है, तो जैसे लेट सपोज अगर आपको बिल्कुल डेट टू डेट चलाना है वो भी आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर कोई भी डेट लिख ली है और इसको ड्रैग कर लिया। अब डेट फॉर्मेट जो है वो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, तो सिर्फ हम यहाँ पर डेट और मंथ देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर चले जाएंगे कस्टम में जाएंगे, नंबर फॉर्मेट पर जाएंगे, और यहाँ से आपके पास जो है फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने डेट्स फंक्शन सेलेक्ट करना है। अब डेट फंक्शन के अंदर आपको वो फंक्शन यहाँ पर चेक करना है जिसमें आपके पास सिर्फ डेट और मंथ हो, तो वो आपके पास ये फंक्शन है, इसमें ईयर नहीं है। तो बाकी आप कोई भी रखना चाहते हैं फॉर्मेट इसमें आप रख सकते हैं। मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है और इसको मैंने कर दिया ओके। तो देखें इस तरीके से आपके पास आएगा 1st Jan, 2nd Jan, 3rd Jan, 4th Jan। तो इस तरीके से प्रॉपर आप डेट वाइज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या काम करें, आप इस वाले सेल को सेलेक्ट करके इसको आप कर दें मर्ज, और इसके बाद यहाँ पर जो आप हेडिंग डाल दें वो आप डाल दें लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको लो ऊपर लिखना है, टेम्परेचर अगर आपको नीचे लिखना है तो नीचे आप किस तरीके से लिखेंगे, अगर आप एंटर करेंगे तो आप सेल से बाहर आ जाएंगे। आपने क्या काम करना है, उसी सेल के अंदर रहते हुए आपने ऑल्टर एंटर करना है। जैसे ही आप ऑल्टर एंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे और सेल उसी में रहेंगे आप, लेकिन नीचे आ जाएंगे। और यहां पर हम हेडिंग डाल देंगे टेम्परेचर, एंटर करें। अब देखें अब आप सेल से बाहर आ गए, अब आपके पास जो हेडिंग है वो इस तरीके से आएगी। अब मैं क्या काम करूंगा, इस पूरे फॉर्मेट को सेलेक्ट करूंगा फॉर्मेट पेंटर से, और एक यहां पर भी अप्लाई कर दूंगा और एक यहां भी अप्लाई कर दूंगा, और उसके बाद दोबारा जाकर क्लिक कर दूंगा। अब यहां मुझे हेडिंग डालनी है हाई टेम्परेचर, ऑल्टर एंटर करूंगा तो यहाँ हमारे पास हेडिंग आ जाएगी हाई टेम्परेचर। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम हेडिंग देंगे एवरेज, ऑल्टर एंटर करेंगे और टेम्परेचर, तो एवरेज भी आ गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर लास्ट पे हेडिंग देंगे फाइनल रिपोर्ट, तो इसको भी हम यहाँ पर यही फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर देंगे। और इधर हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर फाइनल, ऑल्टर एंटर करेंगे और यहाँ पर हेडिंग दे देंगे रिपोर्ट। तो ये फाइनल रिपोर्ट की हमारे पास हेडिंग आ जाएगी यहाँ पर। और इसको अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट देता हूँ, तो मैंने इसको कर दिया बोल्ड। और कलर अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर लें यहाँ पर, जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और इसके जो मैंने कलर दे दिए इस तरीके से ब्लैक और कलर व्हाइट कर दिया है। और ये जो एरिया है इसको हम यहाँ पर दे देंगे रेड कलर, और इसके अलावा जो डेट है वो थोड़ी सी यहाँ डिफरेंट हो जाए, तो डेट को हम हाईलाइट कर देंगे यहाँ पर ऑरेंज से येलो शेड्स कलर के अंदर। तो इस तरीके से प्रॉपर सेट हो जाएगा। अब उसके बाद सिटीज के नेम जितने आपको लिखने हैं तो सीरियल वाइज आप ड्रैग कर लें।
तो जैसे अब मैं यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ सीरीज जो है वो 1 से लेकर 5 तक, फिलहाल मैं 5 सिटीज के नेम लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि 5 मुझे सिटीज गिवन है। बाकी आप इसके अलावा जितने भी सिटीज के नेम लिखना चाहें वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। फर्स्ट सिटी नेम यहाँ पर मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से जो आपको इसमें सिटी नेम देने हैं वो आप यहाँ लिख लें। और इसी तरह यहाँ पर एक और हम दे देते हैं यहाँ पर सिटी नेम, और लास्ट वन यहाँ पर हम दे देंगे। अब ये सिटी नेम्स मेरे पास कुछ आ गए, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं इनके ऊपर अप्लाई कर दूंगा ऑल बॉर्डर्स, तो ये बॉर्डर्स भी आ जाएंगे। तो फिलहाल 5 सिटीज नेम लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और इसको भी हाईलाइट कर दें आप इस तरीके से, क्योंकि इस कॉलम के अंदर हम कोई काम नहीं करेंगे, बाकी जितनी फिलिंग होगी हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ मुझे कुछ वैल्यूज लिखनी है, कोई भी आप वैल्यूज लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन के लिहाज से। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो ये वैल्यूज मैंने अपने पास से लिखी हुई हैं, आप चाहे खुद से कुछ चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, बॉर्डर डाल दूंगा यहाँ पर। तो अब यहाँ देखिए मेरे पास 40, 12, यानी कि ये आपका जो है वो टेम्परेचर बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिटी वाइज, यानी कि इस सिटी के अंदर कितना टेम्परेचर है, किस दिन को किस तारीख को कितना टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर्स आपके पास नंबर्स हैं। अब इन टेम्परेचर्स को आप यहाँ पर किस तरीके से सेट करें कंडीशन वाइज, आप उतने ही एरिया को सिलेक्ट करें जितने आपके पास नंबर है, और यहाँ आप चले जाएं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, नीचे आपके पास है न्यू रूल, इसके ऊपर जाएंगे आप, और यहाँ से आपको चेंजिंग क्या करनी है आप आ जाएं इस पे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कॉन्टेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ आपके पास ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिये हमने यहाँ पर 40-45 की जो रेंज है या उससे ज्यादा का ऊपर टेम्परेचर हो, तो उसके ऊपर हम क्या काम करेंगे, तो पहले तो मैं यहां से चेंज कर लेता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला मैं सेलेक्ट करूंगा ऑप्शन, और यहां मैं ऐड करूंगा 40, यानी कि अगर आपका 40 से ग्रेटर हो या 40 के बराबर हो तो आपका टेम्परेचर, यानी किस तरीके से यहाँ फॉर्मेटिंग बनाए, तो फॉर्मेट पे जाएंगे यहां से, और फॉन्ट कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ, फिल कलर जो है वो मैं यहां से रेड कर देता हूँ, इसको मैंने कर दी ओके और इसको भी मैंने कर दी ओके। अब देखिए जहां जहां आपके 40 या 40 इक्वल या 40 से ग्रेटर है वहां वहां इसने रेड फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। इसी तरह आप दोबारा से न्यू रूल्स पे जाएं, सिलेक्शन बनाए रखिएगा आपने, आपने क्लिक नहीं करना कहीं पे भी, अगर क्लिक कर दिया बाहर दोबारा से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब दोबारा से आप फॉर्मेट ओनली सेल पे जाएं, अब यहां आपको क्या काम करना है, अब यहां आप दे दें जैसे कि बिटवीन, आपने बिटवीन सेलेक्ट करना है और वैल्यू दे दें कि आपके पास जो नॉर्मल टेम्परेचर के लिहाज से अगर आपको बनाना है तो वो आप कितना बनाएंगे, जैसे मैंने कर दिया 15 से लेकर 39, क्योंकि आपने लास्ट 40 सेलेक्ट किया था तो यहाँ आप 39 रखेंगे, और आप करेंगे इसको फॉर्मेट, फॉर्मेट पे जाकर यहाँ आप दे दें ग्रीन कलर, फॉन्ट कलर आप चेंज कर दें व्हाइट, और इसको मैंने कर दिया ओके, इसे भी ओके। अब जहां जहां आपकी वैल्यू 15 to 39 के बिटवीन है, यानी कि इनके दरमियान की वैल्यूज हैं, इसका मतलब आपका वहां टेम्परेचर नॉर्मल है, ताकि वो एक डिफरेंट नजर भी आए कि नॉर्मल टेम्परेचर किस किस दिन था और हाई टेम्परेचर किस दिन था। इसके अलावा लास्ट जो है वो आप न्यू रूल्स में दोबारा जाएं, फॉर्मेट ओनली सेल पे जाएं, और अब यहां पर जो आपने सेलेक्ट करना है लेस देन और इक्वल टू, इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर आपने वैल्यू देनी है 14, क्योंकि 15 to 39 पे आपने नॉर्मल रखा है, तो 14 से लेकर आप जितना भी नीचे होगा या 14 के बराबर होगा तो वहां आपने यहाँ पर कूल टेम्परेचर बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉन्ट कलर भी इसका व्हाइट रखेंगे, फिल कलर आप यहाँ पर चेंज कर दें, मैंने ब्लू कर दिया, इसको कर दें ओके, और इसे भी कर देंगे ओके। अब देखें यहाँ पर आपके पास सिंपल बिल्कुल ईजी हो चुका है कि कहाँ रेड वार्म है, नॉर्मल टेम्परेचर कहाँ पर है और कूल टेम्परेचर कहाँ पर है। अब इसके बाद आएंगे यहाँ पर लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल मिनिमम, यहां लगाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे इस पूरी रेंज को, और ब्रैकेट आपने क्लोज करना है, और अब आप कर देंगे यहां पर एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास बता देगा कि कम से कम आपके पास इस सिटी में कितना टेम्परेचर रहा, तो वो आपके पास आ जाएगा। इसको ड्रैग करेंगे तो सबके मिनिमम यानी कि सबके लो टेम्परेचर हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर निकालते हैं हाई टेम्परेचर, तो इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला मैक्सिमम, नंबर्स के अंदर आपने इस पूरी रॉ को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट आपने क्लोज करना है, और आप करेंगे इसको एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखें इस
सिटी का जो आपके पास हाई टेम्परेचर वो कितना है, ज्यादा से ज्यादा 40 पे गया है, और हम यहाँ कर देंगे इसको ड्रैग। उसी के बाद आप एवरेज निकालेंगे कि एवरेज कितना बनता है यहाँ पर आपके टेम्परेचर का, तो इक्वल लगाएंगे यहाँ पर और एवरेज का फॉर्मूला आपने यूज करना है यहाँ पर, और उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना दोबारा से इस पूरी रॉ को, और रॉ को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो यहाँ आपके पास एवरेज आ जाएगा, इसको आप कर दें ड्रैग। अब एवरेज को आप बिल्कुल एक राउंड फिगर कर लें, तो राउंड फिगर करने के लिए यानी कि आपके पास जो पॉइंट के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं आप इनको खत्म करना चाहते हैं, या वन डिजिट रखना है, या दो रखना है, या तीन रखना है, या आपको जस्ट राउंड फिगर करना है, तो आप क्या काम करें, यहाँ आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो जैसे हम डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो आपका टेम्परेचर जो है इस तरीके से राउंड फिगर, आप इसे क्लिक करते जाए, जैसे ही आपके राउंड फिगर हो जाए तो आप इस तरीके से डिक्रीज स्टॉप कर दें। अब उसके बाद है फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो टेम्परेचर है वो क्या बताता है। तो इसके लिए जो आपकी एक वीकली रिपोर्ट तैयार हो रही है, तो मैंने यहाँ इक्वल लगाया और इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हम इफ के फॉर्मूले में जो कंडीशन लगाएंगे, बहुत सिंपल कंडीशन है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि अगर आपकी एवरेज की कंडीशन ग्रेटर होती है या इक्वल होती है, किस चीज के इक्वल होती है, तो यहाँ हम देते हैं 25। तो आपके 25 को हम यहाँ देखेंगे कॉमा, तो आपके पास यहाँ पर क्या चीज प्रिंट हो जाए, तो कोटेशन के अंदर हम यहाँ दे देंगे वार, कोटेशन क्लोज कर देंगे कॉमा। फिर आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना इफ का, अगर आपकी एवरेज वाली कंडीशन अगर आपकी क्या हो जाए, लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए, लेस देन या इक्वल, तो अब हम यहाँ पर हम जो कंडीशन देंगे वो दे देंगे यहाँ पर 20। तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, कॉमा, कोटेशन हम ओपन करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे नॉर्मल, कोटेशन क्लोज। अदरवाइज यहाँ पर हम देते हैं यहाँ पर जैसे कि इस पर हम लेस देन नहीं, इस पर हम लगा लेते हैं ग्रेटर लगा लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि लेस देन में फिर कंडीशन उसकी अबव चली जाएगी। तो लास्ट में फिर फॉल्स में लगा लें, कॉमा लगाएं, कोटेशन के अंदर यहाँ पर आप दे दें कूल, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पर। तो सिंपल लॉजिकल फार्मूला है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब यहां पर हम करेंगे इसको एंटर, जैसे एंटर करेंगे तो ये आपकी नॉर्मल रिपोर्ट बता रहा है, और इसको हम ड्रैग करेंगे यहां पर तो देखिए यहां भी नॉर्मल बता रहा है, यहां पर कूल बता रहा है हमारी कंडीशन के लिहाज से कि अगर आपकी जो ग्रेटर है 20 से तो क्या टेम्परेचर नॉर्मल या इक्वल हो 20 के, तो देखिए 20 के इक्वल है तो कूल बता रहा है, वार्म 25 से अबव जा रही तो वार्म बता रहा है, यहां इक्वल बता रहा है, नॉर्मल बता रहा है, यानी कि आपकी जो कंडीशन है कि अगर 25 से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो वार्म, 20 से ग्रेटर या इक्वल तो नॉर्मल, तो देखिए 25 नॉर्मल बता रहा है यहां पर। तो इसमें हम देख लेते हैं यहां पर, एंटर करते हैं यहां पर और इसको, तो इसमें 25 से ग्रेटर था तो यहां हमारा 24 है हमारे पास जो है वो आंसर है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर जो नॉर्मल है, वार्म है और कूल कंडीशन दोनों अप्लाई करके बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा टेम्परेचर रिपोर्ट एक्सेल के ऊपर तैयार किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।